रूस और यूक्रेन युद्ध को कोई नहीं भूल सकता। ये देश इस वक्त भी जंग के मैदान में है और एक दूसरे पर हमलावर है। Кому ще треба допомога? Я не знаю, чекаю. यूक्रेन को ने एक दाव खेला, वो दाव अब भारी पड़ गया। यूक्रेन की ओर से रूस के कर्ज ब्रिज को उड़ा दिया गया था, जिसका अंजाम है कि 48 घंटे के भीतर पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। 48 घंटे में पुतिन ने ऐसा बदला लिया कि सुबह से रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर एक के बाद एक अटैक कर रही है और अब तक एक साथ 75 अटैक किए गए। इस धमाके में यूक्रेन का पारकोवी ब्रिज तहस नहस हुआ और इतना ही नहीं, एक बार फिर केव में खतरनाक तस्वीर देखने को मिली है। हर तरफ धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 7 महीने हो गए। फरवरी के अंत में जंग की शुरुआत हुई और रूस ने यूक्रेन की राजधानी केव पर कई बड़े मिसाइल हमले किए थे। हालांकि केव के सैनिकों और नागरिकों की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अप्रैल में रूस ने केव से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया। अब एक बार फिर से रूस ने केव पर हमला शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह होते ही केव पर रूसी अटैक किए गए, एक के बाद एक बम बरसाए गए। सड़कों पर, गाड़ियों पर, बच्चों के पार्क, जहाँ देखो वहीं रॉकेट के विस्फोटक, बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। केव के अलावा टर्नोपिल शहर में धमाके हुए और इसमें यूक्रेनी रक्षा विभाग का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ते रहेंगे। रूस यूक्रेन के बीच वार का ये 229वां दिन है। एक बार फिर दुनिया के लिए और पूरी मीडिया के लिए रूस और यूक्रेन की ओर हर किसी के कैमरे घूम गए हैं, निगाह घूम गई है, क्योंकि एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है और इस वक्त रूस के एक के बाद एक मिसाइल अटैक से यूक्रेन में दहशत है और कीव शहर में एक बार फिर तबाही का मंजर है। अब एक वीडियो देखिए, ये लड़की जो अचानक वीडियो कॉल करती है, तभी इसके ठीक पीछे मिसाइल गिरती है। एक ये तस्वीर भयानक। अब ये देखिए, यूक्रेन में इस वक्त रेलवे स्टेशन को शेल्टर होम में तब्दील कर दिया गया, जहां लोग रेलवे स्टेशन में छुपकर अपनी जान बचा रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। एक नहीं, कई तस्वीरें हमें लगातार मिली हैं। सड़कों पर बमबारी है, आग का धुआं लपटे हैं, हर तरफ का मंजर एक बार फिर दहशत भरा है, क्योंकि एक बार फिर पुतिन अपनी चाल चल रहे हैं और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप, तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार, जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662, फोन नंबर 01571।
2942-294-293। तो दर्द से पाना है छुटकारा तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।